ईरान तक और सीरिया से लेकर लेबनान तक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। कहा यह जा रहा है कि सीरिया पर इसराइल के ताजा हमले के बाद अब ईरान के एक्शन की बारी है, और यही वजह है कि इसराइल हाई अलर्ट पर है और किसी भी वक्त ईरान के ड्रोन तेल अवीव को दहला सकते हैं। अब ऐसे में इसराइल अपने बचाव के लिए वो कर रहा है जो अब तक उसने कभी नहीं किया। यूक्रेन की जलती जमीन पर सिर्फ लाशों का अंबार नहीं लग रहा, सिर्फ यूक्रेन ही अपनों के खोने के गम में नहीं डूबा है। पुतिन की मिसाइलों की मार से सिर्फ यूक्रेन में जनाजे नहीं निकल रहे हैं, बम सिर्फ यूक्रेन में नहीं फट रहा, एटम बम सिर्फ यूक्रेन पर गिराने की बात नहीं हो रही, यूक्रेन की तरह अब गाजा भी जल रहा है। इसराइल भी उबल रहा है, मौतों की तादाद फिलिस्तीन और इसराइल में भी बढ़ रही है। लाशें इधर भी उठ रही हैं, लाश उधर भी उठी, जनाजा इधर भी निकला, जनाजा उधर भी निकला। चाहने वालों के इधर भी आंसू बहे, चाहने वालों का उधर भी कलेजा फटा। मातम इधर भी पसरा है, शोक की लहर उधर भी चल रही है। लेकिन इस बीच मिसाइलें इधर भी दागी जा रही हैं, मिसाइलें उधर भी दागी जा रही हैं। फिलिस्तीन इसराइल के बीच छिड़ी जंग में सिर्फ इस साल 90 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, इनमें 50% मतलब 45 के आसपास इसराइल जिसे आतंकी ग्रुप मानता है उसके सदस्य थे। दूसरी ओर फिलिस्तीन से इसराइल पर अटैक में इस साल अब तक 19 लोग मारे गए हैं। पांच अप्रैल को अलक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के घुसने के बाद गाजा भी खोल रहा है और तेल अवीव में भी गुस्से की ज्वाला धधक रही है। दोनों ओर से दनादन रॉकेट और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इस बार हमला पहले से ज्यादा क्रूर और घातक होता जा रहा है। लेबनान की ओर से इसराइल पर रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसराइल लेबनान पर हमले के साथ ही सीरिया पर मिसाइलें दाग रहा है। अरब का आसमान मिसाइलों के शोर से भर गया है। इसराइल का गाजा पर अटैक, इसराइल से लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान तक के लोगों की रातें आंखों में कट रही हैं। मिसाइल हमले के बहस से लोग सहम गए, सामने मौत खड़ी दिखती है।